हरे कृष्णा। तो आपको जान के खुशी होगी कि आज बहुत ही विशेष दिन है, आज गीता जयंती महोत्सव है। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता सुनाया था और ये ज्ञान भगवान ने पूरे मानव समाज के लिए दिया, हम सबके लिए भगवान ने ये ज्ञान दिया भगवद गीता। वॉट इज भगवद गीता? इट्स ए मैनुअल ऑफ लाइफ। जैसे हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं तो हमें उसके साथ इंस्ट्रक्शन दिया होता है, इसको ऐसे यूज करना है। तो वैसे ही जो हमें ये ह्यूमन लाइफ मिला है, तो हाउ डू वी यूज दिस लाइफ, इसका जो गाइडलाइंस है वो भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं। तो इफ यू फॉलो भगवद गीता वी कैन हैव ए वेरी वेरी हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ। तो भगवान पूरे फॉर्मूला दिए हैं। सो भगवद गीता टीचेस अस आर्ट ऑफ लिविंग, हम कैसे इस दुनिया में सुखी होकर रह सकते हैं, इस सब का फॉर्मूला भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण देते हैं। तो गीता टीचेस अस आर्ट ऑफ लिविंग एंड ऑल्सो द आर्ट ऑफ डाइंग, क्योंकि इस संसार में एक ना एक दिन मृत्यु तो आनी है। तो गीता में भगवान कहते हैं हाउ वी कैन प्रिपेयर फॉर द फाइनल एग्जाम, ताकि हमारा अगला जीवन अच्छा हो और हम कैसे भगवान के धाम जा सके। तो बहुत सारे सुंदर सुंदर विषयों में भगवान गीता जी में ज्ञान देते हैं। भगवद गीता एक ऐसा किताब है जो दुनिया भर के बड़े बड़े लोग इसको पढ़ते हैं। हमारे महात्मा गांधी जी ने गीता के बारे में बोला है कि व्हेनेवर डाउट्स हॉन्ट मी, व्हेनेवर आई फेस डिफिकल्टीज, आई टेक भगवद गीता एंड आफ्टर रीडिंग वन पेज ऑल माई एंग्जाइटीज आर गॉन। तो हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उनको इतना श्रद्धा था गीता पे। तो विश्व के बड़े बड़े लोग भगवद गीता पढ़ते हैं। हमारे अपने प्रधानमंत्री जी मोदी जी, वो भी भगवद गीता को गिफ्ट करते हैं जापान के प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति को। तो भगवद गीता एक ऐसा ज्ञान है जो वास्तव में भारत का प्राइड है, हमारा गौरव है। श्रील प्रभुपाद जी ने इस गीता के ज्ञान को लेकर पूरे विश्व में प्रचार किया, तो कम से कम हम भारतीयों को तो इस ज्ञान को अच्छे से सीखना चाहिए। इसलिए भक्तिवेदांत गुरुकुल में हम सारे बच्चों को भगवद गीता का ज्ञान सिखाते हैं, गीता के श्लोक याद करते हैं। और आज गीता जयंती के उपलक्ष्य में हम गीता के पूरे 700 श्लोक का पाठ करेंगे। और आपको जान के खुशी होगी, हमारे गुरुकुल में ऐसे 3 विद्यार्थी हैं जो संपूर्ण 700 श्लोक गीता कंठस्थ किए हैं। तो आज इस गीता जयंती के शुभ उपलक्ष्य में मैं आप सबको निवेदन करूंगा कि आप जरूर भगवद गीता पढ़िए। ये हमारा गौरव है भारत का, और हर एक भारतीय को, हर एक व्यक्ति जो कहते हैं मैं सनातन धर्म का पालन करता हूँ, उसको गीता अवश्य पढ़ना चाहिए। तो मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ इस गीता जयंती के उपलक्ष्य में। आप सबको भगवान कृष्ण बलराम आशीर्वाद करें, और आप गीता ज्ञान को पढ़िए। लर्न गीता, लिव गीता एंड प्रीच गीता। तो आप गीता सीखिए, इसको जीवन में उतारिए और दूसरों को ज्ञान बांटिए। हरे कृष्ण।